हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई सुमन पे। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है विश्व की जनजातियां, इसके पहले जितने भी मैंने जीएस पे 7 से 10 मिनट की जितनी भी मैंने टॉपिक करवाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा विश्व की जनजातियां। एक तरफ आपका जनजाति लिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्थान लिखे हुए हैं। जनजातियों से आपके प्रश्न हर पेपर में बनेगा, तो ये ऐसे टॉपिक मैं लेकर आती हूँ जिससे आपके पेपर में डेफिनेटली आपका प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो इन टॉपिकों पे ही आपका चर्चा चल रहा है। अगर बात करें जनजातियों की तो ये विश्व की है, इसके बाद हम क्या करेंगे भारत की जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो पहला जनजाति है आपका अफ्रीदी जनजाति, और अफ्रीदी जनजाति ये कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीदी जनजाति आपका पाकिस्तान में, ये उत्तरी पश्चिमी सीमांत में, पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत में पाया जाता है। कौन? अफ्रीदी जनजाति, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे पाक लिख दिया है, और पाक यानी यहाँ पे आप मान के चलेंगे पाकिस्तान, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे नीग्रो जनजाति, और नीग्रो जनजाति दक्षिण पश्चिमी में पाया जाता है। जुलू जनजाति आपका नेटावल प्रांत में पाया जाता है, जुलू जनजाति, और जुलू जनजाति आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जुलू जनजाति आपका इम्पोर्टेंट है। माओरी जनजाति, ये जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है। जो जुआरी माओरी है, ठीक है, माओरी जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है। बोर जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका जानते हैं कि ये क्या है आपका दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पे आपका दक्षिण अफ्रीका थी, यहीं पे आपका बुशमैन हो गया, पिग्मी हो गई, ये सभी जनजातियां भी यहीं पे पाई जाती है, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में आपका बोर जनजाति पाई जाती है। लेमिंग जो जनजाति है ये बेल्जियम में पाई जाती है, और किर्गिज ये पाई जाती है मध्य एशिया में। आप जानते हैं आपका एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया के जो मध्य में स्थित है ये आपका आ जाता है किर्गिज, और किर्गिज आपके मध्य एशिया में आते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर? मध्य एशिया में किर्गिज आपका इम्पोर्टेंट है। और आपके यहाँ पे अगर बात करें लेमिंग और बोर, ठीक है ना, लेमिंग और बोर भी आपका इम्पोर्टेंट है। माओरी को देख लीजिएगा, ठीक है, माओरी को भी देख लीजिएगा। अब बात करें यहाँ पे तारतर जनजाति, ये आपकी साइबेरिया और तुर्कमेनिस्तान पे पाई जाती है। और साइबेरिया जानते हैं, साइबेरिया पक्षी के बारे में आप सुना होगा, तो ये कहाँ पर है, ये आपका साइबेरिया और तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। फिर आपका आता है मसाई, जो कि आपके पेपर में आ चुका है कई बार, और मसाई जनजाति ये कीनिया, टेंगानिका और पूर्वी युगांडा में पाया जाता है, ठीक है ना। तीन जगहों पर पाया जाता है, कीनिया में, टेंगानिका में और पूर्वी युगांडा में, ठीक है। कोसेक्स जो जनजाति है ये पोलैंड और यूक्रेन में पाई जाती है, ठीक है ना, पोलैंड और यूक्रेन में कोसेक्स जनजाति पाई जाती है। फिर आपका आता है हेमाइटस जनजाति, ये उत्तरी पश्चिमी, ठीक है ना, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका की अगर बात करें हम, ठीक है, तो ये एरिया आपका आ जाएगा जहां पे आपका हिमाइटस जो जनजाति है ये पाई जाती है अफ्रीका में, ठीक है। महमूद जो जनजाति इतना खास नहीं है, और ये पाई जाती है पाकिस्तान में। तो इसमें जो मैंने बताया आपका निग्रो जनजाति, जुलू जनजाति, माओरी जनजाति, वोर जनजाति, और आपका किर्गिज जनजाति, मसाई जनजाति, और आपका हो जाएगा कोसैक्स जनजाति, ये जनजाति आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे तीन जनजाति है, बुशमैन जनजाति, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, इस एरिया में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और कांगो गैबन जो है और युगांडा में, ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है ना। जो कांगो नदी है ना, ये कांगो बेसिन में ही आपका ये पाए जाते हैं पिग्मी जनजाति, इस एरिया में होते हैं, ठीक है। सेमांग जनजाति ये फिलीपींस में पाई जाती है। तो कांगो और बुशमैन जो है आपका, बुशमैन और पिग्मी जनजाति, ये जनजाति भी आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये विश्व की जनजाति, यहाँ से आपके जितने मैंने टिक लगाए हैं ये पेपर में आ चुके हैं,
और इसके अलावा आपका रह जाता है जनजातियों में, तो जो भारत की जनजातियां हैं इसके लिए आपके लिए जो अलग से क्लास आएगी। ये सारी आपकी विश्व की सारी जनजातियां थी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा क्लास। इंडिया की जनजाति मैं कल की क्लास में लेकर आऊंगी। और बात करें अब तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बात करें यहाँ पे तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खाली है।